विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एग्जांपल है 12x⁴ माइनस 11x⁴ प्लस 2=0। इसे सॉल्व करना है हमें, एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में पहले हम जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेंगे, 12x⁴ माइनस 11x² प्लस 2=0। तो हम इसे x⁴ जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 टू द पावर x² ही हो गया, तो माइनस 11 टू द पावर x² प्लस 2=0 ही आगे का एल्जीब्रा। तो हम इधर x² इधर भी है, x² यहाँ पर भी है और x² यहाँ पर भी है, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पर x² का सब्स्टिट्यूट, लेट y=x² समझ लो। तो y=x² रखने के बाद एक इक्वेशन बनेगा, 12 टाइम्स y ऊपर का स्क्वायर एज यूजुअल नेगेटिव, माइनस 11 टाइम x² की जगह में हम y रख दिया प्लस 2=0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो इसके मतलब ये y² का जो कोएफिशिएंट है 12 है और कांस्टेंट 2 है, दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 24 बनता है। तो 24 को हम फैक्टर किया तो नेगेटिव 11 आना चाहिए इधर, तो इसका मतलब 3 × 8 मीन्स 24। ये नेगेटिव 8 कब आता है, ए भी नेगेटिव, ए भी अगर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव लिया तो यहाँ पर नेगेटिव 11 आएगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन किया तो 24 पॉजिटिव 24 आ जाएगा। इसका मीन, इसका मतलब 12y² माइनस 3y माइनस 8y प्लस 8=0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 3y माइनस 8y मीन्स 11y और 12y तो वो तो कैंसिल हो गया। तो अभी यहाँ पर ये दोनों में हम इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या आता है वो देखेंगे। तो 3y तो आएगा ही आएगा, तो 3y बाहर ले लो, तो इधर 4y बचेगा माइनस 1, क्योंकि 3y तो ऑलरेडी बाहर है। ओके, तो यहाँ पर 2 कॉमन लिए, ओनली 2 आ जाएगा इधर, तो ये 4y माइनस 1 इधर बचेगा =0, क्योंकि माइनस 2 बाहर है इसलिए ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर और देखो ये भाग और दोनों तरफ ये सेम है, तो इसका मतलब ये निकाल देंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये 4 × y - 1 ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 3y और माइनस 2 जो है यही बचेगा =0। तो हमें दो फैक्टर्स मिला, तो 4 × y - 1 =0 और दूसरा 3y - 2 =0। अगर हम इसे प्लस 1 किया, इधर ही प्लस 1 किया तो ये दोनों चले जाएगा, तो 4y = +1 बनेगा। तो इधर 4 से डिवाइड करो, इधर 4 से डिवाइड करो तो दोनों चले जाएगा, therefore y = 1/4 ये हमें मिला y का वैल्यू। एक यहाँ पर देखो प्लस 2 इधर रखो, प्लस 2 इधर रखो, ये दोनों चले जाएगा, यहाँ पर 3y = +2 बनेगा। तो यहाँ पर भी 3 रखो, यहाँ पर भी 3 रखो, डिवाइड से डिवाइड करो 3 से, तो यहाँ पर y = 2/3 बन रहे। ओके, तो y एक जगह में आ गया 1/4, y एक जगह में आ गया 2/3। अभी हम सब्स्टिट्यूशन किया है y = x², तो y = 1/4, दो यहाँ पर दो ये बनेगा y = 1/4। तो ये फर्स्ट केस, तो y = 1/4, y मीन्स x², तो x² रख दो, =1/4 ऑटोमेटिक बनेगा। तो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वेयर है तो इसलिए क्या कर दो, स्क्वेयर रूट ले लो दोनों तरफ, टेक स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स, तब क्या बनता है, ये x² स्क्वेयर रूट लिया =√1/4 = √1/4
ओके दिस इक्वल्स स्क्वेयर रूट वन मीन्स वन डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट फोर मीन्स प्लस आर माइनस टू. ओके देयरफॉर यहां पर ये दोनों कट हो जाएगा तो एक्स एक्स इक्वल्स प्लस आर माइनस वन डिवाइडेड बाय टू ये हमें मिला एक्स का वैल्यू ये सॉल्यूशन मिला हमें. तो जब वाई इक्वल्स वन बाय फोर तो सेकंड केस में हम इधर सेकंड केस कौन सा है टू थर्ड है वाई इक्वल्स टू थर्ड एक लिखना है तो यहाँ पर हम निकाल देंगे यहाँ पर रख के लिखेंगे वाई इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई थ्री तो वाई का वैल्यू है एक्स स्क्वेयर तो एक्स स्क्वेयर पुट कर दो वाई का वैल्यू रख दो इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई थ्री. तो दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग किया इधर भी स्क्वेयरिंग स्क्वेयर रूट सॉरी स्क्वेयरिंग है स्क्वेयर रूट लेना है क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना है हमें तो रूट तो निकालना है हमें स्क्वेयर रूट टेक स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स देन एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट दिस इक्वल स्क्वेयर रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री. तो यहाँ पर स्क्वेयर जाएगा स्क्वेयर रूट जाएगा एक्स इक्वल्स या क्या बनते हैं स्क्वेयर रूट टू डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट थ्री. ओके ये निकाल देंगे अभी ये दोनों क्या बनते हैं इधर ये ऊपर का रूट टू बनता है डिवाइडेड बाई नीचे रूट थ्री लेकिन हमें ये क्या बनता है एक्स इक्वल्स स्क्वेयर रूट टू डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट थ्री. तो हमें स्क्वेयर रूट थ्री नीचे नहीं चाहिए तो इसलिए हम इसे निकालने के लिए तो रैशनलाइज द डिनोमीटर तो इसका मतलब वो यूज़ करेंगे तो ये जो डिनोमीटर का पार्ट है तो उससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को तो इसको रूट थ्री से मल्टीप्लीकेशन करो और रूट थ्री से डिवाइड करो तो ये कंजुगेट उसका ही वही है तो रूट थ्री गेट कैंसिल दोनों गेट कैंसिल होने के बाद ये सेम ही रहेगा लेकिन इधर का अगर ये ऐसा करने के बाद इधर का रूट निकल जाएगा हमें नीचे कभी भी रूट थ्री नहीं चाहिए रूट का इसमें आंसर नहीं चाहिए. तो दिस इक्वल्स स्क्वेयर रूट टू इंटू स्क्वेयर रूट थ्री मीन्स स्क्वेयर रूट सिक्स डिवाइडेड बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री मीन्स ओनली पॉजिटिव थ्री. ओके देयरफॉर दिस इक्वल्स एक्स इक्वल्स प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री बनता है. तो एक्स का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है एक मिला प्लस आर माइनस वन बाई टू और दूसरा मिला प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री. ये हमें दो सॉल्यूशंस मिला यही आंसर है आपका. यहाँ पर क्या मिल रहा है प्लस आर माइनस वन बाई टू और प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री. तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.